Hello everyone, very warm and good afternoon to everyone. So those who are live, they can comment in the comment section to let me know. देखिए आज जो है, हेलो एवरीवन, हेलो तनु, आज जो है आप लोगों का नया चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही सिंपल है, अच्छा है और यूनिक चैप्टर है, और वैसे भी बहुत सालों से पढ़ते आए हैं, ठीक है। एंड यस, हेलो एवरीवन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद, देखिए कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो आप लोगों को इस स्टैंडर्ड में नहीं, लेकिन आने वाले कई स्टैंडर्ड में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। सो इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब लोग हम लोग देखेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये सेल जो है किस तरीके से, किसने डिस्कवर किया, क्या था, किस तरीके से। देन ऑर्गेनल्स, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ऑर्गेनल्स का मतलब सिंपल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, सेल में क्या क्या चीजें हैं। आज जो है हम लोग उसमें से एक जो कंपोनेंट है या ऑर्गेनल्स है, ठीक है, उसे हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे सी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप लोगों को सबको पता होगा कि सेल जो नॉर्मल ऐसे हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, और लोअर क्लास में भी एक आध दो बार ये चैप्टर आया हुआ है, तो हमें पता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है, जितनी भी है, चाहे वो प्लांट किंगडम में हो, चाहे वो एनिमल किंगडम में हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी सिंपल, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, दे आर दैट आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स। और इसके सेल की देखो अलग अलग ब्रांच होती है स्टडी करने के लिए, जैसे बोटैनी होता है, जूलॉजी होता है, ठीक है, वैसे अलग अलग जो ब्रांच होती है स्टडी करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी है, अलग अलग। उसी तरीके से सेल की रिगार्डिंग जो स्टडी की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। देखो कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बेसिक जो है वो एकदम क्लियर रहे। और सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था, वो ऑब्जर्व किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने डेड कॉक का, मैं भी बताऊंगा ये चीज क्या है, और उनका जो है उन्होंने परीक्षण किया, यानी माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद ही बनाया था, उनके खुद सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, और फिर धीरे रह के ये सेल का जो थियरी है हम अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि सेल एक्चुअली वर्ड कहाँ से आया, सेल का जो एग्जिस्टेंस पहले से होता। देखो ऐसा नहीं कि सेल डिस्कवरी, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, डिस्कवरी और इन्वेंशन अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ऑफ टॉपिक है लेकिन तो भी आपको बताना जरूरी है, डिस्कवरी और इन्वेंशन। अब देखिए डिस्कवरी जो चीज होती है ना, ये वाली, ये ऑलरेडी क्या है पता है, ऑलरेडी नेचर में पहले से प्रेजेंट होता है, और लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, और फिर पर्टिकुलर कोई साइंटिस्ट, और आपने सुना होगा कि ये वर्ड आपने सुना होगा, इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड। तो डिस्कवर्ड का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगी, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, इसके कारण। लेकिन फिर कोई इंसान जो है उसको ढूंढ के लेके आता है, तो वो डिस्कवरी कहते हैं। और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, पूरा एक नया, एक फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी चीज है जो पहले थी ही नहीं, और एक नए अपने खुद के ड्यू टू द नॉलेज और यू कैन से विजडम, एक नई चीज उसने इन्वेंट करके लाए, ठीक है। सो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में। तो एक्चुअली ये जो रॉबर्ट हुक, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक, 1665 में डिस्कवर्ड किया है। डिस्कवर्ड का मतलब क्या है, सेल ऑलरेडी पहले से होता है। देखो ऐसा तो है नहीं कि 1665, यानी कि ये तो कुछ अगर हम लोग गिने तो भी ये कुछ 400 या 300 साल, 350 साल का ये हिस्ट्री है। तो ये अगर हम देखने जाए तो हिस्ट्री के हिसाब से कुछ 300, 350 साल कोई हम बहुत पीछे नहीं है एक्चुअली में, ये तो नजदीक का टाइम है ये। लेकिन सेल और ह्यूमन बींग्स हम देखते हैं तो वो तो हजारों साल पहले के है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम सोचे तो हजारों साल पहले के है, और वैसा तो था नहीं कि वहां पे सेल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, सेल ऑब्वियसली था, बट एट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जैसे हमने कहा नॉलेज, विजडम, साइंस उतना अपडेटेड नहीं था। तो 1665 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। 1665 में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक करके थे, उन्होंने जो है एक कॉर्क यानी कि सिंपल सा बता देता हूँ। देखो ये ट्री होता है, ये ट्री का जो बार्क पार्ट, मेन जो
जो एकदम स्टेम वाला पार्ट होता है ना बार्क, ठीक है, उसको अगर हम लोग ये कट के देखो, नॉर्मली फर्स्ट लेयर निकालते हैं ना, ये देखो इन्होंने काट के भी रखा है सेकेंड, ये जो लेयर मिलता है वो होता है कॉर्क, वो वाला कॉर्क होता है, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस कॉर्क को धीरे से मीन्स अपने छोटे से पीस को लेके उन्होंने अपना जो माइक्रोस्कोप खुद बनाया हुआ था उसमें उन्होंने परीक्षण किया। तो उनको जो है हुक ऑब्जर्व कॉक्स हनीकॉम और पोरस स्ट्रक्चर, उनको जैसे वो मधुमक्खी का जो घर होता है ना वैसा उनको स्ट्रक्चर देखने मिला, हनीकॉम या तो हम कह सकते हैं पोरस स्ट्रक्चर। एंड हुक फाउंड पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क टू रिसेम्बल विथ मोनेस्ट्रीज एंड कॉल द यूनिट सेल। अब एक्चुअली क्या है, इन्होंने जब ये स्ट्रक्चर देखा, देखो ये इनका माइक्रोस्कोप था, इन्होंने खुद प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी पहले का उन्होंने खुद स्ट्रक्चर करके बनाया था। अब ये जो इन्होंने हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, हनीकॉम जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर देखा ये वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे गैप है, यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर के दिखते होंगे, ठीक है। सो इन्होंने इनको नाम दे दिया सेल्स, क्योंकि मोनेस्ट्रीज, याद करो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह होते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहां पे उनको रहने के लिए छोटे छोटे रूम्स होते थे, तो सेल इन्होंने नाम इसीलिए दिया बिकॉज इट मीन्स लिटिल रूम, बहुत ही छोटे, ठीक है। सो हुक ऑब्जर्व कॉक्स हनीकॉम्ब और पोरस स्ट्रक्चर, पोरस यानी एकदम सॉफ्ट और ठीक है, एंड हुक फाउंड पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉक टू रिसेम्बल विथ मोनेस्ट्रीज एंड कॉल द यूनिट सेल, एंड ही पब्लिश हिज वर्क इन अ बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665 और 1665 में, उस टाइम के पहले जो, और ऑब्वियसली आज भी कई जो साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी रिलेटेड जो काम करता है, फिजिक्स के रिलेटेड यानी कोई भी रिसर्चर्स, वो अपने जो वर्क को जो होते हैं ना उनको पब्लिश करते हैं इन जर्नल्स होते हैं, या तो फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बुक्स वगैरह अलग से ये लोग जो है पब्लिश करते हैं। तो उस टाइम पे इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, वहां पे ये उन्होंने पब्लिश किया था 1665 में, और तब से लोगों को ये एक्चुअल में ये चीज को हम सेल बोलते हैं, और किसी ने लाइव जो है इसको ऑब्जर्व किया। तो ये थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने जो है मोर्चा उठाया इस फील्ड में, और 1665 में जो है एक महारत हासिल कर दी बाय डिस्कवरिंग एंड नेमिंग द सेल्स। अब आगे आ जाते हैं, उनके बाद आते हैं लेवन हुक, एंटोन वॉन लेवन हुक, याद रखना ये वाला, उनके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। उन्होंने जो है मेड एन इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, और पहली बार ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड, जो तालाब वगैरह होता है ना, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है, फ्री लिविंग सेल। उन्होंने जो था ना, ये डेड सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल होते हैं ये कौन से होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, तो ये डेड सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ये जो एंटन वॉन लिवन हुक है ना, उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स पहली दफा देखा इन पॉन्ड वाटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ऑलमोस्ट उसके कुछ सालों बाद अगेन ही वेंट ऑन डिस्कवरिंग स्पर्म सेल्स, जो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में, डॉग है, स्पर्म सेल्स ऑफ डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट, लेटर ऑन थोड़ी अच्छी डिस्कवरी इन्होंने की। सो ये याद रखना, अगर आपको कोई पूछता है पहला सेल के बारे में डिस्कवरी या सेल ऑब्जर्व किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर फ्री लिविंग सेल्स, पहली अगर लिविंग सेल्स की बात करें, तो उन्होंने जो वहां पे अगर नाम आता है, सो रॉबर्ट हुक नहीं थे, वो कौन थे, एंटोन वॉन लेवन हुक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखो साइंस होती है तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, है ना, अपडेटेड होगा। तो उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन करके आए, उन्होंने क्या किया, सेल को और अच्छे से उसका परीक्षण किया, और सेल में, प्लांट सेल में उन्होंने न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया यानी डिस्कवर किया, और उसको नेमिंग किया कि हाँ यहाँ पे एक ये जो एरिया है इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और उन्होंने उस पर रिसर्च वर्क किया। उसके कुछ समय बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जे.ई. परकिंजे करके थे, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया, ये देखो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इन द सेंस, अभी हम लोग सीखेंगे कि फ्लूइड होता है, ठीक है, इनसाइड द सेल, जो पूरा जहां पे न्यूक्लियस भी आ गया उनका, साइटोप्लाज्म भी आ गया, इन शॉर्ट, तो वो पूरे को हम मिलके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये पुरकिन जी ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की यानी डिस्कवरी की हम कह सकते हैं। और उसके कुछ समय के बाद हैकल करके आते हैं, अर्नेस्ट हैकल, ये हैकल करके आते हैं, उन्होंने, यहाँ पे देखो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन हैकल ने ये भी चीज फाइंड किया कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी अभी आज जैसे आप लोगों को पता है कि आप अपने पेरेंट्स से
बहुत सारी क्वालिटीज जो है वी बोरो फ्रॉम और वी इनहेरिट फ्रॉम अवर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। तो ये चीज जो हैकल को पता लगी एंड उस पे जो है उन्होंने डिस्कवरी की ये सारी चीजों की। एंड उसके बाद जो मेन है, ये बहुत मेन है, सेल थियरी, फाइनल जो सेल थियरी बन के आई ना वो स्क्लेडन एंड स्क्वान, याद रखना ये दो, ऐसे तो बड़े नाम है बट इनको इस तरीके से याद किया जाता है। सेल थियरी को अगर अगर हम कहें कि सेल थियरी जो है किसने कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा था, तो हम कहते हैं स्क्लेडन एंड स्क्वान। ये बड़ा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखना हो तो भी ठीक है, नहीं रखना हो तो भी नहीं। अब इन्होंने क्या किया, स्क्लेडन जो थे उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट होता है, ठीक है, ऑल द प्लांट्स कंजिस्ट ऑफ सेल्स, एंड यहाँ पे स्क्वायन ने उसको और आगे बढ़ाया। वैसे इन लोगों का काम अलग अलग था, अलग अलग, ऐसे नहीं कि इन्होंने मिलके किया था, अलग अलग काम किया था, लेकिन फिर इन दोनों के वर्क को मीन्स कोलाबरेट कर दिया। और इन्होंने जो स्क्वान ने ये बताया कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये जो है ज्वाइंट बन के आता है सेल थियरी, और इसको थोड़ा अपडेट का काम करता है, थोड़ा अपडेट का, वो थे वर्चो, ये वाली आर वर्चो। इन्होंने फाइनली एक अपडेट दे दिया और ये आपकी जो 4 पॉइंट है ना, ये सेल थियरी है, ये फाइनल सेल थियरी है, ये एग्जाम में आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो इसको अगर बुक में, टेक्स्ट बुक में देखो, मैंने यहाँ पे अपनी जो क्लास है इसमें मैंने आई हैव डन रिसर्च, हम कह सकते हैं बहुत सारी रिसोर्सेज पे, बहुत सारे वर्क पे मैंने सारी चीजों को कोलैबोरेट किया हुआ है। क्योंकि कई चीजें क्या होती है, कई पॉइंट्स कई बुक में जो है थोड़ी सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में दी जाती है तो पता नहीं चलता है, कई जगहों पे बहुत ही इजी और नॉलेज हिसाब से देखे तो बहुत कम दिया होता है। तो व्हाट आई हैव डन कि आपको एक दोनों का मैंने कंबाइन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यू माइट फाइंड समथिंग ऑन द इन द टेक्स्ट बुक, इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक फ्रॉम द इंटरनेट, लेकिन आपको कोई यहाँ पे जो है काम करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सारे सोर्सेज को मैंने कलेक्ट करके एक ही जगह पे बना दिया है। सो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, नो नीड टू वरी। तो पहले ये वर्चो ने क्या किया, ठीक है, वर्चो ने सबसे पहले क्या किया कि वो जो सेल थियरी थी ना, जो स्क्लेडन और स्क्वान ने अपडेट मेन रखी हुई थी, उसको थोड़ा अपडेट करते हुए फाइनली जो है 4 पॉइंट्स हमें दिए मेनली। तो ये था, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। ये तो हम लोगों को बताइए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी शुरुआत तो आपको पता ही, वो सिंगल सेल से ही करता है। सो दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल एंड द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम लोग देखेंगे कि सेल जो है हम लोगों को तो दिखता भी नहीं, अगर हम लोग नेकेड आई से देखना चाहे तो सेल तो हमको विजिबल भी नहीं दिखते, और फिर भी एक सेल के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइजोसोम्स हो, गॉल्गी एपरेटस हो, अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें देखेंगे, इन सब का एक यूनिक फंक्शन होता है, और हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं, पूरी बॉडी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसको सस्टेन करते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि वी आर रियली गॉड गिफ्टेड कि इतने एक छोटे से सेल में ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, मेनली जो लाइफ प्रोसेसेस रिलेटेड रिएक्शंस वगैरह है वो कैरी आउट होती है। फिर तीसरा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली या बन जाता है न्यू, बट कम्स इन टू बींग ओनली बाई डिविजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। ये जो है ना आपको 11th 12th में आएगा पूरा बायोलॉजी, जो ऑप्ट करेगा वो माइटोसिस और मियोसिस, दो करके दो प्रोसेस होती है। तो एक्चुअली कोई सेल जो है ऐसा नहीं है कि नया बन गया एक तुरंत ही, वो क्या होता है डिवाइड होता रहता है, एवरी नाउ एंड देन इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। उसकी लेकिन प्रोसेस बहुत डिटेल्ड प्रोसेस होती है, वो इतना ईजी नहीं है, सिंपली ऐसा नहीं कि भाई डिवाइड हो गया। डिवाइड होने में आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस और बहुत सारी ऐसी चीजें, कंपोनेंट्स होती है, वो स्प्रेड होने पड़ते हैं, उसको जो है डिवाइड होना पड़ता है। तो इट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क और इतना इजी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे क्या होता है, बट आपको समझना है कि एक ही सेल से धीरे धीरे क्या होता है, फ्रॉम प्री, इन शॉर्ट यू कैन से फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स धीरे धीरे क्या होता है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड देर इज नो न्यू सेल, ठीक है। देन एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली वी नो दैट इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, जाइगोट, ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा ही था। यस यू नहीं यू डोंट हैव नो नीड टू राइट, मैं आप लोगों को ये पूरी जो है पीडीएफ ही सेंड कर लूंगा। एंड वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी, ये खाली एक अलग है, ये आप लोग अलग से पढ़ोगे, लेकिन ये वायरस जो थे, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, और ये आप लोगों ने जो है 8th स्टैंडर्ड में जब आता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक आता था, तभी भी हम लोगों ने समझा था और पढ़ा था उसमें
वहां पे आप लोगों को वायरस जो एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है कि जिसके अंदर वो लोग बाहर जब होते हैं आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म तो वो नॉन लिविंग बिहेव करते हैं, और जैसे ही उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग एंड इट स्टार्ट्स इट्स लिविंग फॉर्म। सो वो थोड़े अलग है, एक्सेप्शन है, बट ये चार आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते क्या हमने पढ़ाई की, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल थियरी मिलके बनती है पूरी यहां से। सबसे पहले कौन आए, रॉबर्ट हुक आए, और उन्होंने सिंपली 1665 में दे सॉरी ही डिस्कवर्ड सेल। और सिंपली वो कौन से, उन्होंने कौन सी चीज को देख के वो सेल डिस्कवर किया था, तो वहां पे हमने देखा कि थीन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क। ठीक है, तो उन्होंने जो है सबसे पहले ये हमारे दुनिया के अंदर ये वर्ड जो फ्रेम किया और रखा, तो ये कौन थे, रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर उसके बाद कौन आते थे, ये आए एंटन वॉन लेवनहुक। लेवनहुक कौन थे, उन्होंने सेल ऑलरेडी, सेल की जो चर्चा थी ऑलरेडी रॉबर्ट हुक ने डाल दी थी, ठीक है, उस टाइम दुनिया में। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड का पानी, तालाब का पानी वगैरह, उसके अंदर से इन्होंने ही ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम देखते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में, कि भाई सेल डिस्कवर हो गया लेकिन सेल के अंदर भी क्या क्या चीज है वो देखने गए, तो उन्होंने जो है न्यूक्लियस को सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया और दुनिया के सामने रखा, एंड ही डिस्कवर्ड, वी कैन से कंट्रीब्यूट किया एंड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उनके बाद जे.ई. पर्किन जे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, मींस जब ये रिसर्च वगैरह होते जा रहे थे तो ही ऑब्जर्व एंड टर्म्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। उनके बाद आते हैं अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी डिवाइड, ये डिस्कवर तो हो गया था लेकिन वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च वर्क किया, एंड फाइनली पता चला कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये न्यूक्लियस जो है, फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उसके बाद आते हैं, ये कंबाइन है, स्क्लेडन एंड स्क्वान, स्क्लेडन एंड स्क्वान, इनको कंबाइन लियम बोलते हैं। इन्होंने जो है मेनली बेसिस नीम रखी सेल थियरी की, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे अपडेटेड नॉलेज बहुत बहुत कुछ आ गया था, माइक्रोस्कोप्स उस टाइम पे बहुत अच्छे से इन्वेंट। देखो ये लोग अगर हम देखते हैं स्क्लेडन और स्क्वान, इन्होंने रिसर्च वर्क कब किया था, 1838 और 1839। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कब किया था, 1665 की बात है, तो सोचो तकरीबन 200 साल जैसे हो गए, 150 साल, पौने 200 साल, तो ऑब्वियसली अपडेट तो हुआ होगा उस टाइम पे भी कंपेयर टू रॉबर्ट हुक के टाइम पे और ए स्क्लेडन और स्क्वान के टाइम में। तो इन्होंने क्या किया, उस अपडेटेड नॉलेज के हिसाब से धीरे 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 कलेक्टिव वर्क, उस टाइम दुनिया में अलग अलग सब लोग, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ने किया, ऑलरेडी दूसरे साइंटिस्ट और दूसरे बायोलॉजिस्ट और जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने काम तो किया था, लेकिन इन चीजों को इन्होंने कंबाइन करके और थोड़ा डिटेल फ्रेमवर्क देके सेल थियरी की नींव रखी। और फाइनली आर वर्चो, उन्होंने क्या किया, एक फाइनल जो है हम कह सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग करके और सेल थियरी को और अपडेट अच्छा बनाते हुए, ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल के, ठीक है, स्क्लेडन और स्क्वान की ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल के, फाइनली जो नहीं, जस्ट किडिंग, थोड़ा जो है अपडेट नॉलेज करके फाइनली हमको ये सेल थियरी दी जो आज भी लागू पड़ती है और आज भी इसे यूज करते हैं। सो ये चार पॉइंट आप लोग याद कर लेना, सेल थियरी पूछ सकते हैं, और ये 1-1 मार्क में ये जो साइंटिस्ट के नेम है ना वो याद रखने पड़ेंगे, तो वो याद रख लेना आप लोग, ठीक है। रॉबर्ट हुक आए, फिर एंटन वॉन लेवनहुक आए, ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, ठीक है, उसके बाद पर्किन जे आए, फिर उसके बाद अर्नेस्ट हैकल आए, फिर स्क्लेडन एंड स्क्वान, एंड फाइनली वर्चो। सो ये सारे जो साइंटिस्ट है एक एक बार आप लोग लिख भी लोगे, दो बार लिख लोगे उसके सामने उनकी डिस्कवरी, तो भी याद रह जाएगा, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक जो थे 1665, वो खाली याद रख लेना, बाकी कोई ईयर इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट लर्निंग हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, तो हम लोगों को कोई डेट और वगैरह याद करना है, सिर्फ नाम इंसान का और उसकी जो मेन डिस्कवरी उसने क्या की थी वो, और ये फाइनल सेल थियरी आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। सो देखिए, पहले जो है माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, वैसे तो वो रॉबर्ट हुक वाले जो थे वो तो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके से ये माइक्रोस्कोप अपडेट हुए, और ये आज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये आज के इलेक्ट्रॉन एकदम अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ है, जैसे यहाँ पे अपने आईपीस होता था, यहाँ पे रखा जाता था स्लाइस और वगैरह, और धीरे फिर उसके अंदर जो है आप लोगों को इमेज मिलती थी, लेकिन ये जो है बहुत ही एक अलग लेवल का, आपको पता है कि साइंस कितना आगे बढ़ चुका है। सो यहाँ बैठ के देखो, ये ऑपरेट कर रहा है इंसान, और पूरी इमेज जो है उसको एकदम 3D इमेज कहो, और उससे भी एकदम हम कह सकते हैं डिटेल्ड इमेज, फाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में देखने मिल जाता है।
एनीवेज अब आते हैं ये सेल शेप। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेल जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार के शेप्स जो है एग्जिबिट करता है। और चाहे वो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, अब एनिमल्स के अंदर भी कितनी सारी प्रजातियां हैं, कितनी सारी है, हम लोग मीन्स हम लोग काउंट भी नहीं कर इन सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी हो सकती है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट लाइफ में, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली ये सेल शेप के अंदर भी डाइवर्सिटी तो आप लोगों को मिलेगी। सो इट इज जनरली के सेल्स आर ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइज, और ये होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, 10th स्टैंडर्ड में आपको आएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे जैसे इतने सालों के दौरान जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती गई, उस हिसाब से हमारी बॉडी लाइफ सेल और ये जो वातावरण होता है एटमोस्फेयर, उसके हिसाब से एडेप्टेशन आते गए। ठीक है, धीरे 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 चेंज आते। आप सोचो कि पहले अभी जैसे स्नो है, स्नो वाले एरियाज है, एक्सट्रीम हॉट एरियाज है, तो ऐसा तो थोड़ी था कि वहां पे सबसे पहले इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां जाके पल पड़े। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ, धीरे 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 इवॉल्व हुए, एडेप्टेट हुए, एडेप्टेशन उन्होंने किया कि हाँ अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है, गर्मी है, धीरे धीरे उनकी बॉडी ने उस चीज को क्या किया, अडेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, और एक सिंपल सी चीज, जब आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना हुआ कैनेडा, यूएस या यूके या कोई भी ऐसी अच्छी कंट्री में जाना हुआ, इंडिया से तो अच्छी नहीं है लेकिन जो भी कहो, सो अगर जाना हुआ तो वहां पे आप पाओगे कि आपको एडजस्ट होने में ही, ठीक है, एडजस्ट होने में ही आप लोगों को कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ समय लग जाएगा। आपको वहां पे जाओगे तो जुकाम भी हो जाएगा, फीवर शायद, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे अडेप्ट नहीं हो पा रही है उसके वहां के टेम्परेचर और वगैरह से। ठीक है, और ये तो हालांकि बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन कई कई जगहों पे तो बहुत ही आसमान जमीन का डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, सेल्स जो है ओवर द ईयर्स, ओवर द, ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल 1 महीने का नहीं होता, ओवर द मैनी ईयर्स सेल्स जो होते हैं वो अडेप्टेशन मीन्स अडेप्टेड हो जाते हैं टू द वेरियस चेंजेस अराउंड देम, एंड जो फंक्शन करती है उसके अकॉर्डिंगली भी जो उनका शेप तय होता है। ये अलग अलग शेप है, अगेन अगेन नो नीड टू ड्रॉ एंड रिमेंबर ऑल दिस शेप्स, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट जो है ना पता तो होना चाहिए। जैसे ये नर्व सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल अभी आगे आएगा, फिर ये बोन सेल आ गया, फिर ये सारे टिश्यूज में आएंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहां पे हम लोग देखेंगे, फिर स्पर्म सेल तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओवम स्पर्म ये वाला, तो आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई हाँ इसी ये कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको ये नर्व सेल का पिक्चर या फिर डायग्राम दे दे और आपको पता ही ना हो कि ये क्या है। सो यू शुड बी नोइंग देम, एंड जनरली सेल्स जो होते हैं दे आर स्पेरिकल, बट समटाइम्स दे मे बी एलोंगेटेड, ब्रांच भी होते हैं डिस्कॉइडल, ठीक है, एंड स्पिंडल शेप, ऐसे अलग अलग शेप जो है होते हैं वो बताते हैं। सेल की साइज, ये भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में और अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के अंदर जो है वेरिएबल्स होते हैं। कई जो होते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज्यादा ज्यादातर जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कुछ जो है सेल विजिबल भी होते हैं। यस, दे मे बी विजिबल, जैसे कि अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच के एग, ऑस्ट्रिच का जो एग है होता है ना, ऑस्ट्रिच तो आपको पता है बर्ड, ऑस्ट्रिच का जो है वो एक सिंगल सेल है, वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो वो तो एकदम क्लियरली आप लोगों को दिखता है। और लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ये सही वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं तो वो होता है नर्व सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल। देर नहीं, पीडीएफ 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 दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। देखिए दूसरा, स्मॉलेस्ट सेल्स जो है स्मॉल माइकोप्ला, ये पीपीएलओ लिखा है ना वो, इसका मतलब ये माइकोप्लाज्म यानी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स है, काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है। और ह्यूमन एग जो आपको पता है, ह्यूमन एग जाइगोट, ठीक है, इट इज 0.1 mm इन डायमीटर। सो जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए लॉन्गेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल कैसे है और किस तरह ह्यूमन के एग जो होता है वो कैसा है, एंड ये जो है सेल शेप एंड सेल साइज, यही होता है कि दे आर वेरिएबल इन नेचर बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी दैट इज बींग फाउंड इन द एनवायरमेंट इन द नेचर, जो भी आप कहो। अब देखिए ये भी एक पैराग्राफ अच्छे से आप लोगों को दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है। खास बात तो यही है मेनली कि हमारा जो बॉडी है, चाहे हमारा हो चाहे कोई भी दूसरे एनिमल ऑर्गेनिज्म का, कोई किसी का भी हो, देर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, अगर हम बात करते हैं। अब ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, बहुत अच्छा वर्ड है।
नाम देखो इंग्लिश वर्ड ये, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी एक तरीके से हो गया वर्क फोर्स, काम, और डिवीजन यानी कि हमारे सेल में, अब आप देखोगे हम पढ़ेंगे जो भी हमारे कंपोनेंट है सेल के अंदर, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, या तो फिर राइबोसोम्स हो, लाइजोसोम्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गॉल्गी अपैरेटस हो, जो भी हो, ये सारे का एक इंडिविजुअल फंक्शन है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा सेल जो हम देख भी नहीं सकते विद अवर नेकेड आई, विच रिक्वायर्स हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और वो भी एकदम डिवीजन ऑफ लेबर यू कैन से, कि काम जो है अपना अपना काम बांट रखा है। एक बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं, वी आर रियली रियली शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि इतना, मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये सारी चीजें साइंस है। सोचो साइंस ऑलरेडी है, आई ऑल्सो बिलीव इन साइंस, बट ये कहीं ना कहीं पे ये कई चीजें ऐसी लगती है, इट इट सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जो चीज जो है हम लोग देख भी नहीं सकते सही ढंग से। सही ढंग से क्या, नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते सेल को, ठीक है। नॉर्मली ब्लड का क्लॉटिंग होता है, ब्लड निकलता है, तो सोचो उसमें कितने हजारों मिलियन सेल्स छुपे हैं एक छोटी सी बूंद में, फिर भी आपको वो सेल दिखाई नहीं देते और वो इतना फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो देर इज क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर इन, स्पेशली इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड जब ये सेल्स इकट्ठा होते हैं तो दे कम अप विथ टिश्यूज, टिश्यूज इकट्ठा होते हैं दे कम अप विथ ऑर्गन्स, एंड एवरी ऑर्गन यू नो हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए हमारे पास ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, ठीक है। इनफैक्ट डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल इन मेनी केसेस, ठीक है। एक सिंगल सेल में भी आप देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स इन सिंपल, ये बायोलॉजिकल वर्ड, अगर सिंपल वर्ड कहे तो कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट, ठीक है, पार्ट्स अगर सिंपल सी चीज कहे तो। एंड दिस ऑर्गेनल्स कम टूगेदर मेक एंड कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, ओके। देखिए अब ये वाला तो आप कर सकते हो, ब्लू क्वेश्चन आ चुका है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो रॉबर्ट हुक, और उनकी पूरी कहानी बता देना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ ही है, इवन इफ यू वॉन्ट टू रिफर। एंड वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इतना हम लोगों ने पूरा पढ़ा ये सारी चीजें, तो हम उसे फिर कहेंगे ना भैया कि सेल जो है इट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये पूरा अच्छे से मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे भी रिफर कर सकते हो या अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स आल्सो। अब आ जाते हैं, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना हुआ है, ठीक है। नहीं हैंड्स एंड लेग्स नहीं कहेंगे, हैंड्स एंड लेग्स नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो हैंड्स और लेग्स है सारंग, तो व्हाट अबाउट नोज, व्हाट अबाउट आईज, व्हाट अबाउट ईयर्स, व्हाट अबाउट माउथ, ईच एंड एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज एज स्पेशल एज द अदर ऑर्गन। सो यू कैनॉट जस्ट क्लेम दैट टू और थ्री ऑर्गन ही मेन उसको बनाते हैं। तो हमारा जो सेल है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, पार्ट्स है, इनफैक्ट वो पूरा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। वॉट इज अ सेल मेड अप ऑफ, अब सेल किससे बने हुए, देखो ये स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं लिख के देता हूँ कि सेल जो है आपको कहीं पे भी, कहीं जगहों पे भी, रात को भी पूछे उठ के नींद में से, तो भी आपको पूरा आने वाला है, बिकॉज मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों का ईच एंड एवरीथिंग इसे फ्रेमवर्क ऐसे किया हुआ इस पूरे चैप्टर को, कि आपका बेसिक जो है ना बहुत ही क्लियर कट आपको कंप्लीट निकल जाएगा। हाँ फिर एडवांस लेवल तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो इन 11th एंड 12th, बट एनीवेज होता क्या है ये प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर पे ज्यादा आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है बेसिक सा जो सेल पढ़ने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर चीजें क्या होती है, नॉर्मल बेसिक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लाइजोजोम्स क्या होते हैं, राइबोजोम्स, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक तो आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए। सो ये पूरा डिटेल्ड हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। दिस इज प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है, और ये दोनों को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे हैंडराइटिंग में आप लोगों को दिखा होगा कि साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड मोर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेल वॉल, गॉल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, ठीक है, लाइजोजोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें जो है कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल्स के। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दोनों नाम इसको कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो होता है ना, एक तरीके से मेम्ब्रेन का मतलब हुआ एक तरीके से बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री, ये जो आप देख पा रहे हो क्लियर कट बाउंड्री। तो
तो ये होता है दैट इज नथिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। क्लियरली आप देख सकते हो। अब देखो बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आप सोचो जो घर होता है हमारे, हम जो घर में रहते हैं उसका भी एक गेट होता है, एक नॉर्मल सा जो है कोर्टयार्ड बनाया होता है, या तो हम वॉल, छोटा सा वॉल, फोर्टिफिकेशन तो नहीं करते ठीक है, वो तो राजा महाराजा करते थे, लेकिन फिर भी हमारे घर के अंदर भी आप देखो क्लियर कट, हमारे घर में भी हम देखते हैं क्लियर कट जो है डिमार्केशन किया होता है। कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो ऐसे ही कोई अंदर नहीं आ सकता। और हम लोग भी जो है जब बाहर निकलते हैं तो वी हैव टू गो थ्रू द पैसेज, थ्रू द पाथवे। तो सेम चीज ऐसे कि यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स आप देखते हो बहुत सारी, वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही बाहर निकल सकते हैं और ऐसे ही अंदर से बाहर से जो कोई फॉरेन पार्टिकल है वो ऐसे ही आ सकता है। उनको जो है ये एक तरीके से बाउंड्री है, क्लियर कट बाउंड्री है, उससे होके निकलना पड़ता है। और ये जो है थोड़ा भाई हमारे जैसा ही, हमारे गेट के, हमारा गेट कैसे काम करता है, घर का जो गेट है सिलेक्टिवली, ऐसा थोड़ी कि कोई भी आया चला अंदर आ गया ठीक है। सो यस, ये पूरा देखो क्लियरली आप लोगों को मैंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना पढ़ोगे इट इज मोर देन इनफ, एंड इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि पूछेंगे और आएगा और मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे। सी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम जैसे हमने कहा सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा लेमा ठीक है। इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल, ऐसा नहीं कोई एक ही सेल में पाए गए आप, ईच सेल, ईच एंड एवरी एवरी सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट सराउंडिंग। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। हम देखेंगे कि सेल वॉल करके एक दूसरा ऑर्गेनल्स होता है वो प्लांट में मौजूद होता है, प्लांट को डबल लेयर मिलता है, उनका जो सेल होता है उस पर डबल लेयर होता है, जबकि हम ह्यूमन बींग और एनिमल की बात करते हैं उसमें तो सिंगल एक होता है ठीक है, सिंगल कवरिंग होता है। अब ये देखेंगे हम प्लांट में भी क्यों डबल कवरिंग होता है कैसे है, उसमें खाली याद रखना सेल वॉल होता है उसके बाद ये होगा ठीक है, बिलो द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन एनिमल्स की बात करते तो डायरेक्ट आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एग्जाम में वन मार्क में पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन और लिपिड्स, लिपिड्स इन द सेंस फैट, प्रोटीन और इससे बना, लिपिड से बना हुआ है। वेयर प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन द बाई लेयर ऑफ लिपिड, ऐसा स्ट्रक्चर देखो बताता हूँ, ये रहा ये स्ट्रक्चर है, ये देखो ऊपर का स्ट्रक्चर और ये नीचे का स्ट्रक्चर, दे आर लिपिड स्ट्रक्चर, और ये बीच में देखो प्रोटीन कैसे सैंडविच है। अब सोचो ये तो कितना जूम्ड इमेज है, और ये सेल जो हमको दिखता नहीं है उसकी ये बाउंड्री है, तो सोचो ये कैसा होगा, किस किस हिसाब से होगा, कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल होगा ठीक है। सो दिस इज द टू लेयर्स, ये टॉप एंड बॉटम, और ये वाला जो है प्रोटीन लेयर जो है, प्रोटीन है वो सैंडविच है इसमें, ये बताया चाह रहे। अगेन नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, 11, 12 इंपॉर्टेंट होगा जब बायोलॉजी पढ़ोगे, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन द बाई लेयर ऑफ लिपिड्स ठीक है। ये एक्स्ट्रा है आप लोगों को लिखना हो तो ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ए सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमी देखो परमिएबल यानी एक तरीके से परमिशन, सिलेक्टिवली जैसे हमने कहा सबको आना और जाना जो है वहां पे मुमकिन नहीं है, इट इज यू नो के गार्ड कर रही है, गार्ड पर्टिकुलरली, इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल ओके। फिर ये फर्दर उस पर डिस्कवरी हुई थी, ये आप लोगों को मीन्स ये जो अभी लेयर बताया हुआ ना ये वाला सेम, तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था, बताया था, सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनीवेज ये पॉइंट आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। इट इज फ्लेक्सीबल, या दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज फ्लेक्सीबल, कैन बी फोल्डेड, कैन बी ब्रोकन एंड री यूनाइटेड एज इन द केस वी विल, हम देखेंगे इतना फ्लेक्सीबल होता है। अमीबा वाला देखो, अमीबा तो सिंगल सेल है, अमीबा वाला, अमीबा पैरामीशियम, वो तो सिंगल सेल है अमीबा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किस तरीके से वो फूड के आजू बाजू जाके वैक्यूल बना के उस फूड को ले लेता है, तो सोचो इतना फ्लेक्सीबल होता है। सो इट इज फ्लेक्सीबल, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एज वेल एज री यूनाइटेड, सो यू कैन राइट दिस 5 to 6, इट इज मोर देन इनफ। एंड मैंने आपको अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ, ये बुक्स वगैरह में आप रीड करोगे ना तो यू विल फील समवॉट बोरिंग, आपको बोरिंग जैसा फील होगा, बट आई हैव एंश्योर दैट ऑल दिस पॉइंट एंड द इम्पॉर्टेंट वन एस्पेशली डू नॉट मिस आउट एंड कम एट अ सिंगल पेज ऑन अ सिंगल लाइन, ऑलमोस्ट सब चीजें आपकी क्लियर कट हो जाए। सो या अब फंक्शंस देखो, ये भी मैंने आपको डिमार्केशन किया हुआ, उसमें ऐसा नहीं दिया, उसमें पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसके बारे में हम अच्छे से
स्टोरी पढ़ते ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो फंक्शंस क्या होते हैं उसके, तो सिंपल, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, एंड मोस्टली इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान अच्छे से समझना। ये आप लोगों का वैसे तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नो नीड टू वरी, केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे समझना है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें फिनोमिना पढ़ने जाने वाले हैं, वो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये शुगर डाला या सॉल्ट डाला और ये वॉटर है, तो इन द रियल सेंस ये वॉटर जो होता है ना वो एक्ट करता है, ये होगा आपको दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और ये शुगर जो आपने डाला है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। शुगर डाला है या तो फिर आप लोगों ने डाला है उसके अंदर सॉल्ट डाला हुआ है, या तो फिर ये जो है वाटर है उसमें लेमन के जूस डाले, कुछ भी। सो यहाँ पे क्या होता है, जो जिसमें हम डालते हैं, ठीक है, वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूबल होता है, ये जो शुगर जो हम लोगों ने डाला वो इसके अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा। सो ये शुगर जो हम लोगों ने ऐड किया है दैट इज सॉल्यूट, एंड दोनों को मिक्स करके बनता है सॉल्यूशन, याद रखना। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, हम ध्यान से देखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया, वरना ये पूरा डिटेल्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि जो कोई चीज जो है हम किसी में डिजोल्व करने जा रहे हैं, किसी में डिजोल्व करवाने जा रहे हैं, तो जिसमें डिजोल्व करवाने जा रहे हैं ना वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और जिसमें वो डिजोल्व होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं, वो सब्सटेंस होता है सॉल्यूट, और दोनों जो मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन इसके भी बहुत टाइप्स है और इसके भी बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट वी विल नॉट गो इनटू द मच डेप्थ, वी विल जस्ट गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, एंड फाइनली सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे हम आ जाते हैं आगे, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये वर्ड दो आएगा। अब यहाँ पे थर्ड टॉपिक या सेकेंड टॉपिक हम कहेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल्स आते जाते कैसे, हमने बोल तो दिया कि आते जाते, अभी हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पार्टिकल सिलेक्टिवली परमिएबल जाते भी है और आते भी इस तरीके से, तो दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग वे, कहीं जगहों पे इनका होता है डिफ्यूजन और कहीं पे जगह पे होता है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है समझना, ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोसिस वो हम कह सकते हैं, ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशियल डिफ्यूजन, हम ऐसा कह सकते हैं स्पेशियल डिफ्यूजन। अब पहले तो डिफ्यूजन सीखते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम, यानी कि फॉर एग्जांपल देखो यहां पे बहुत सारा पार्टिकल जमा हुआ है और यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली दिख रहा है, तो यहां पे क्या होगा, हाईली कंसंट्रेशन है यहां पे और यहां पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करेगा, जब यहां तक मूव करेगा, ये पिक्चर हम बाद में देखेंगे, ये मूव करेगा कहां तक मूव करेगा, जब तक ये पूरे जो रूम, ये अगर हम बात करते हैं स्पेस है उसमें इक्विलिब्रियम यानी इक्वल लेवल ना आ जाए, सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप कोई अगरबत्ती होती है या सेंट जो होता है स्प्रे करते हो आप, तो वो पूरे रूम में कैसे फैल जाता है फ्रेग्रेंस, ठीक है, या तो फिर और अच्छा एग्जाम्पल दे अगर हम, कि लाइक कोई ब्लड का ड्रॉप है, या तो फिर कोई ऐसा इंक का ड्रॉप होता है, या फिर कोई ऐसा ड्रॉप जो होता है पानी में गिरता है तो पानी में पूरा कैसे मिक्स हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, या कोई कलर वाटर कलर है या वो गिर गया पानी के अंदर, पूरा इक्वली मिक्स हो जाए, वो हो जाता है डिफ्यूजन, उसे हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन। अगेन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जो ऑलरेडी रिलेटेड है, बट मैं वो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो अब इसको और डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं। डिफ्यूजन में क्या होगा, जहां पे हाईली कंसंट्रेशन होगा ना वहां से वो ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे लो कंसंट्रेशन होगा और वो इक्विलिब्रियम इक्वली फैल जाएगा इन शॉर्ट, और यहाँ पे कोई आप लोगों को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, इजीली उसको कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, सिंपल। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जो है मैंने कहा स्पेशियल केस ऑफ डिफ्यूजन ही है, स्पेशियल केस बोल रहा हूं मैं, यहां पे डिफ्यूजन में क्या होता था, ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल गैसियस मॉलिक्यूल्स बोलो सब, ये सारे जो है यहां पे मूव ऑन करते थे, मींस ये फिनोमिना यहां पे शो होता था। ऑस्मोसिस के अंदर ऑल
ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करेंगे, ओनली सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे. डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता. डिफ्यूजन में अगर मैं इसकी बात करूं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ डिफ्यूजन की बात करूं ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है. तो अगर यहाँ पे कोई कंसेंट्रेशन के हिसाब, यहाँ पे मैं अगर ये पाइप, यहाँ पे ये भी कोई सॉल्यू, ये भी जो है दोनों सॉल्यूशन है, मान के चलो ये सॉल्यूशन ए वन है और ये सॉल्यूशन ए टू है, और मैं यहाँ पे कोई ऐसी पाइप लगा देता हूँ, ऐसी कोई पाइप लगा देता हूँ, तो यहाँ पे से यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट होगा? अगर डिफ्यूजन की बात करूँ तो यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करेंगे. डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करेंगे, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम बनाएंगे. लेकिन अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूँ ना, तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे, और वो भी कब? ऐसे नहीं कि हर एक बार मूव करेंगे, वहां पे भी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. अगर मान के चलो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, हाई कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है, सॉरी लो कंसेंट्रेशन है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा ना, यहाँ पे वॉटर है, वो क्या करेगा? यहाँ पे पर्टिकुलरली मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, एक मैम्ब्रेन लेयर उसको होनी चाहिए तो वो पास करेगा. दैट इज ऑस्मोसिस, सिंपल सी चीज. लेकिन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? ऑस्मोसिस में भी कब तक मूवमेंट होगा और डिफ्यूजन में भी कब तक मूवमेंट होगा? जब तक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो तब तक, इक्वल एक तरीके से इक्वल ना मेंटेन हो तब तक. तो ये होता है डिफ्यूजन और ये होता है ऑस्मोसिस. तो इसमें भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया. और डिफ्यूजन क्या है? सी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स दोनों ही मूव करते हैं टू इक्वलाइज कंसेंट्रेशन. नो सेमी परमिएबल परमिएबल मैम्ब्रेन इज इन्वॉल्व. जबकि ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते नहीं है, एंड द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन. और दोनों के बीच में कॉमन टॉपिक जो इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वलाइजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इन देम. इस तरीके से देखिए यहां पे दिया हुआ है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयन जो भी आप कहो दोनों की, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. उसको एनर्जी की जरूरत, नॉर्मल अगर उसको लगा कंसेंट्रेशन कम पड़ रहा है, अपने आप निकल गया, लग रहा है ज्यादा है तो बाहर आ जाएगा. ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, एस्पेशली जब बायोलॉजी की बात करते हैं, यानी सेल्स की, तो उधर तो हम वाटर, देखो सॉल्वेंट का मतलब तो क्या होता है पता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो, वाटर ही सॉल्वेंट है. सभी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत ही हजारों जात के सॉल्वेंट आते हैं, हजारों जात के सॉल्वेंट आते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही ऐसा नहीं कि उसमें ही हम लोग कुछ चीजें डाल के सॉल्यूशन बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं भी होता. लेकिन बायोलॉजी यानी हमारे सेल की बात करते हैं, अब जब बायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे ओनली वाटर की यहाँ पे हम लोग. तो ऑस्मोसिस इन बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू सो एंड सो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक है, देखो ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान ये याद रखना. ठीक है, ओनली सॉल्वेंट का यहाँ पे होता है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है मूव नहीं करते हैं, ऑस्मोसिस की बात चल रही है. डिफ्यूजन में दोनों सॉल्यूट पार्टिकल भी मूव कर सकता है, सॉल्वेंट भी कर सकता है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. ऑस्मोसिस में ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है. ठीक है, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस, यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल. जब ऐसा हो कि सॉल्वेंट की सेल है फॉर एग्जाम्पल, और बाहर सराउंडिंग में पानी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा है और सेल में कम है, तो पानी सॉल्वेंट अंदर आएगा ना, तो वो होता है एंड ऑस्मोसिस. और कई बार सेल में एज कंपेयर टू बाहर, हमारे सेल में कंसेंट्रेशन पानी का ज्यादा हुआ सॉल्वेंट का, और उसे बाहर जाना, क्योंकि हायर टू लोअर ही मूव करता है हमेशा, तो उसका मतलब होता है सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल. ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस उसे कहेंगे. ये वर्ड दिया नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पे ऐसे रिफर करवाया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये जो हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाई की ना, वो हमारे सेल के रिगार्डिंग हम क्यों ये स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक तो वैसे देखने जाए तो केमिस्ट्री का रिलेटेड ज्यादा है डिफ्यूजन एंड जो ऑस्मोसिस, लेकिन हमारे बायोलॉजी में इसको हम क्यों पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी बनता है एवरी ईयर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे समझ के देखिए। और ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब कई बार क्या होता है, ये 1 मार्क में भी एग्जाम में 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे ऊपर लिखा है, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा सेल मान के चलो, ठीक है। अब होगा क्या कि मान के चलो बाहर सेल है, उसके बाहर का जो मीडियम है वहां पानी ज्यादा है, हायर कंसेंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल के अंदर, अब हमने अभी पढ़ा ना ऑस्मोसिस का मतलब हायर से लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके पास मेम्ब्रेन तो है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सराउंडिंग में अगर पानी ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट, तो होगा क्या, फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि पानी कहाँ आ जाएगा, सेल में आ जाएगा, और उसको हम कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहते हैं या उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो पूरा पानी अंदर ही आएगा, नेट बोलते हैं ना हम लोग, ओवरऑल आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा, देखो अगर हम बोलते हैं कि 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं 7 माइनस 6 तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं, फॉर एक सिंपल सी चीज, मैं आपको 7000 दे रहा हूं, आप मुझे 6000 दे रहे हो, तो आप पे 1000 का जो है लोड बढ़ गया, एक सिंपल सी चीज है। यहाँ पे नेट ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ देखो सेल में सिर्फ पानी अंदर ही आता जाएगा, ओवरऑल सेल में से भी पानी निकलता रहता है और सेल में पानी अंदर जाता भी रहता है, लेकिन जो ओवरऑल अगर मीडियम के अंदर ज्यादा, ये जो सराउंडिंग मीडियम होता है ना सेल का, उसमें अगर ज्यादा वाटर कंसेंट्रेशन या सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन है, तो मोस्ट ऑफ ट्रांसफर आपको ऐसे देखने मिलेगा कि अंदर जाते हुए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, सेल जो है ना वाटर एंटर हो गए सेल में, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, फूलने लगेगा, देखो ये स्वेल हो रहा है, स्वेल का मतलब आप लोगों को पता है फूल रहा है वो, यहाँ पे मैंने बताया भी है डायग्राम से, वाटर अंदर आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, इक्वल, यहाँ पे नेट मूवमेंट जो है ना दोनों हो रहा है, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है, लेकिन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, यहां से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन इक्वल कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम है हम कह सकते हैं, इक्विल, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली सेल को कुछ नुकसान होने वाला है, सेल के शेप साइज या सेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, देर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसिस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल विल स्टे द सेम साइज। जैसे हम कह सकते हैं देखो H2O अंदर आ रहा है और यहाँ पे H2O बाहर जा रहा है, सेम और सेम रहेगा। तीसरा आता है हाइपरटोनिक। बच्चे जो है ना ज्यादातर गलती, आइसोटोनिक तो एक अलग सा वर्ड है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में जो है ना यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो ये गलती मत करना, यहाँ पे अब उल्टा होगा। क्या होगा, जो मीडियम था बाजू का, आजू बाजू का जो सराउंडिंग मीडियम है, उसमें पानी का कंसेंट्रेशन कम हो गया मान के चलो इन केस, तो सेल में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल क्या करेगा, अपना पानी सराउंडिंग में डालेगा, क्यों, हायर टू लोअर ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, तो सेल क्या करेगा, द सेल विल स्टार्ट लूजिंग वाटर बाय ऑस्मोसिस, एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अब क्या हो रहा है, वाटर के अंदर, सेल के अंदर से वाटर लीव कर रहा है ज्यादा अमाउंट में, तो उसमें क्या होगा, जो सेल हो गए ना वो श्रिंक करेंगे, जैसे पहले वाले में क्या होता था, वाटर आ रहा था तो फुल रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर निकल रहा है तो वहां पे क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे द सेल विल श्रिंक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, इसमें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो सिंपल हम कहेंगे ऑस्मोसिस क्या है, एक तरीके का डिफ्यूजन ही है। तो बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स, याद रखना सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट होता है, सो ये रहा। अब इसको हम लोग, अगर आपको सिंपल एक डेफिनेशन में पूछना हो ना, बोल बताना हो ना, तो देखो आइसोटोनिक का तो मतलब समझ में आ गया, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म या इनसाइड द सेल, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अब हाइपर और हाइपो देखना, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड इज मोर देन द इनसाइड द सेल। अब बोलोगे सर वर्ड गौर करना, वर्ड पे, ये केमिस्ट्री वर्ड है, इसीलिए यहां लिखा है व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर इनसाइड द सेल,
और सर आप यहाँ पे अभी आपने पढ़ाया कि मीडियम में आउटसाइड लोअर है, यहाँ पे आप बोल रहे हो इफ द मीडियम, देखना ध्यान से ये वर्ड, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द मीडियम हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, बाहर का जो मीडियम है वहां पे पानी की कंसेंट्रेशन कमी है, कम है, और यहां बोल रहे हो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड। तो सर ये हाइपरटोनिक कैसे हुआ, ये तो हाइपोटेनिक होना चाहिए था, तो इसका मुझे कोई रीजन दे सकता है, ये सेंटेंस और वो सेंटेंस में क्या फर्क है, एक छोटा सा डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? इज दैट एनी वन, नहीं पता तो नो लिख देना, तो टाइम वेस्ट ना हो, आगे बढ़ लेंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर का है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का आप लोगों का केमिस्ट्री का बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, ऑनेस्ट आंसर, आई लाइक ऑनेस्टी, कोई बात नहीं, ओके 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 ओके। तो ध्यान से सुनना, अब मैं समझाने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मोर और लेसर वही तो पूछ रहा हूं, मैंने वही तो मैंने डिफरेंस तो बता के दिया, मोर और लेस लिखा हुआ है तो क्यों लिखा है मैंने, ऐसा एक ही डेफिनेशन को मैंने अलग क्यों बता दिया? यहां पे मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि भाई हाइपरटोनिक क्या होता है, मीडियम है आउटसाइड मीडियम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मैं बोल रहा हूँ, यहां बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, तो एक बाजू जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सॉल्यूशन, और यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वाटर, समझो समझो, यहां पे क्या बोला था, बाहर का देखो ये आप लोगों को, इसीलिए केमिस्ट्री शायद आप लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर हो गया होगा स्कूल में, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अगर सॉल्यूट ज्यादा हो ना, आपने एकदम सॉल्यूट पूरा पानी कम डाला है, सॉल्वेंट कम डाला है और सॉल्यूट डाला हुआ है, सॉल्यूट ज्यादा है एक तरीके से, तो ये एक्चुअली क्या होगा पता है, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं कहूं तो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट कम होगा, तो वही बात हुई ना, सॉल्वेंट कम होगा तो हमने यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या बोला, कंसंट्रेशन कम है, पानी का कंसंट्रेशन कम है लोअर, तो वही चीज हुआ, और दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाटर नहीं सॉल्यूशन ज्यादा है, तो मैंने अभी वही तो आपको बताया कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है, पानी एक ही चीज है, अगर आप बोलते हो कंसंट्रेटेड है या सॉल्वेंट कम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप बोल रहे हो सॉल्वेंट कम है और बोलोगे आपके कंसंट्रेटेड है, दोनों ही चीज एक ही है, दोनों ही चीज एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक वर्ड की मदद से आप लोगों को कैसा कंफ्यूजन हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेसिक आपका सही होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे लिखा है इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये सिंपल लैंग्वेज, सिंपल अभी जो हमने सीखा वो, और ये केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाटर नहीं सॉल्यूशन इज मोर, पानी कम होगा ना तो वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेटेड हो, आप सोचो नॉर्मल आप जो है ना सॉल्ट लिया आपने, सॉल्ट वाला शुगर वाला पानी लिया, पानी कम डाला, और अगर आप उसको टेस्ट करो तो उसको उसमें शुगर कितना ज्यादा आपको एसेंस दिखेगा, कितना ज्यादा होगा, आप ऐसे डालोगे ना तो एकदम एकदम आप जो है वो माउथ से जो है ग्लास ले लोगे, क्यों आप लोग, अरे यार ये तो कितना कंसंट्रेटेड है, लेकिन उसमें पानी और डालो, और पानी डालो और उसको डिजोल्व करो तो वो एकदम डाइल्यूट हो जाए, उसका दूसरा ऑपोजिट वर्ड होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट, तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा डाला आपने, पानी ज्यादा डाला नहीं सॉल्वेंट ज्यादा डाला, शुगर अब कम हो गया एज कंपेयर टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा आप लोगों को, तो अगर कम हो गया तो अब हम कहेंगे वो डाइल्यूट हो गया, वो जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट हो गया। देखो नीचे वर्ड क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला देखो हाइपोटोनिक में क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, आउटसाइड द सेल कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, कम है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, बाहर पानी ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, अंदर आएगा, और सेल में कैसा होगा, कंसेंट्रेटेड होगा, कंसेंट्रेटेड, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कंसेंट्रेटेड, तो ये एक्चुअली दो डेफिनेशंस है, लेकिन इसको अलग अलग फॉर्म में इसीलिए आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि ये जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको लग रहा है तो ये लिख लेना,
कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है मुझे ये रीड करके लिखना है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देना कि अगर पानी सराउंडिंग मीडियम में सॉल्वेंट या पानी का कंसेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा, और बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आएगा। ये सिंपल लैंग्वेज अगर छोटे बच्चे को भी बिठा दो तो ये इंग्लिश जो सिंपल इंग्लिश समझ के बैठा है वो, ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज है। हालांकि आपको ऐसे वर्ड और ऐसी लैंग्वेज ज्यादा यूज करनी चाहिए अगर साइंस में अगर आप यूज करते हो तो। रटने की कोई कोशिश मत करना मेहरबानी करके, साइंस में कभी मत, साइंस कभी रटा नहीं जाता, स्पेशली साइंस और मैथ्स तो कभी, इनफैक्ट हिस्ट्री वगैरह रटना पड़ेगा, और ये कभी रटा नहीं जाता, इसको समझना पड़ता है। तो सिंपल सी चीज है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मैं वाटर यूज नहीं कर रहा हूँ, सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहा, मैं बाहर बोल रहा हूँ सॉल्यूशन, बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन हाई है। इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट हाई है, पानी कम है, पानी कम है तो होगा क्या, सेल में से पानी बाहर जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं बाहर का कंसेंट्रेशन, बाहर का कंसेंट्रेशन कैसा है, कम है, तो इसका मतलब सिंपल हुआ, पानी कम नहीं बोल रहा मैं, बाहर का कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कम है, इसका मतलब पानी ज्यादा है, डाइल्यूट है, यानी वहां से पानी रश करेगा सेल में, सिंपल सी चीज। सो इन दिस वे सेल स्वेल्स अप एंड इन सम केसेस बर्स्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। उसके बाद आता है ये बहुत एक एक मार्क की डेफिनेशन है ये, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कुछ और देखा, अभी हमने पहले पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल यानी इस तरीके से, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है वैसे तो, फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ये खाना भी खा लेते हैं। प्लाज्मा देखो, ये तो सिंगल सेल है, यूनि सेल्यूलर है, ठीक है, अगेन हमारे जैसे मल्टी सेल्यूलर नहीं है कि हम लोग के पास अच्छे से ऑर्गन है खाने के लिए, इनके पास बेचारे जो है गरीब है, ठीक है, और इनके पास जो है इतना कुछ है नहीं। सो ये यूनि सेल्यूलर करते क्या है, इनको कहीं पे भी ये फूड मिल गया, कहीं पे भी ये फूड, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आ गया ऐसे करके, तो ये क्या करेंगे, ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से इसको सराउंड कर लेंगे, एंड इट विल ब्रिंग दैट फूड पार्टिकल विद इन द फूड वैक्यूल, एंड जो है उसका खाना वो डिराइव करेंगे न्यूट्रिशन। तो ये जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो काम कर रहा है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी बता के अपना काम बता रहा है उस, और खाना खा रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंड एग्जाम्पल लिख सकते हो अमीबा। देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल करवाता है सेल को टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों का मैंने मेन टॉपिक कवर अप कर लिया। अब थोड़े कुछ जो है ऑर्गेनल्स जो है यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ वगैरह में अच्छे से, अगर आज होता है तो, आज इतना तो मैंने करवाया है तो इतना भी मैं सेंड कर लेता हूँ, अगर होता है तो आई विल शेयर दैट पीडीएफ इन द ग्रुप। सो आप लोग जो है इस पे देखो अच्छे से वर्कआउट करना। ये चैप्टर्स, कई चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो फिजिक्स वाले क्या होते हैं, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला लिखा मजा आ गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको जो है ना वर्ड्स में बताना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है। और दूसरी एक चीज, क्या लोग यार मैथ्स में लिखते हैं, मैथ्स के अंदर कई लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा है, ठीक है, कई ऐसे कि आठ आठ पत्तों में, जिस कई लोग ऐसे कि बेचारे 32 पेज, 35 पेज और 40-50 पेजेस तक बेचारे होमवर्क कर रहे हैं, और एक बाजू ऐसे 8 या 2 10 पेजेस लिख के मेरे को बोलते हैं होमवर्क हो गया, और जब मेरे को सेंड करते हैं और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को मैं सामने उनको देता हूँ कि भाई ये इनकम्प्लीट है, बहुत सारे थे आज, ठीक है, इनकम्प्लीट है, तो बोलते कहाँ इनकम्प्लीट है। सो आपको इतना तो, अब 9th में हुई है, छोटे बच्चे नहीं हो, फर्स्ट सेकंड के, मेरे 6th के बच्चे 6th 5th 5th स्टैंडर्ड के जो है वो ज्यादा वर्क करके लेके आते। सो आपको तो थोड़ी इतनी होनी चाहिए 9th में एक मैच्योरिटी कि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, 10th तक तो आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट ये सब सारी चीजें आप लोगों का वर्क आने वाला है 10th में, आपको पता ही चलेगा। 11th 12th में तो बहुत ज्यादा, साइंस में अगर लेते हो 11th 12th, स्पेशली बायोलॉजी, तो ये सारी चीजें आप लोगों की बहुत बहुत ही ज्यादा कंप्लीट है। ओके, सो या मेक श्योर ये सारी चीजें आप लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ एज इट इज शॉर्ट नोट लिख सकते हो। हाँ, वो जो हिस्ट्री वाला जो था ना सेल के रिगार्डिंग, उसमें पूरा हिस्ट्री छापने की जरूरत नहीं है, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन एक फ्लो चार्ट बना दो, कैसे कि हिस्ट्री लिखा मेन टॉपिक, और कैसे लिखोगे सामने कि फॉर एग्जाम्पल 1665 रॉबर्ट हुक किस क्या उसने किया था, डिस्कवर द सेल, ऐसे उसके बाद आ जाते हो वो वाला लिवन हुक वाला, एटोन वन लिवन हुक, लिवन हुक लिख लेना, बहुत बड़ा वर्ड है, लेवन हुक ले लो, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड, पॉन्ड वाले फ्रॉम अ पॉन्ड उन्होंने निकाला था। फिर आए थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था,
ठीक है, सेल तो डिस्कवर हो चुका था लेकिन न्यूक्लियस को। फिर कौन आए थे? पर्किन जी आए गए थे, ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट हेकल आ गए, उसके बाद स्क्लेडन एंड स्क्वान आ गए, और वर्चो फाइनली। तो ये पूरा फ्लो चार्ट में लिखो, उसके सामने उनकी डिस्कवरी लिख दो, बात खत्म। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक में ही, अनलेस इन रॉबर्ट हुक वाले में 1665, दैट्स इट। और वो भी मैं तो बोल रहा हूँ याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो फ्लो चार्ट ही बनाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस पर पूरा शॉर्ट नोट, सेल फंक्शन, उसके फंक्शंस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट क्या है, और उसका ये तीन तो खास, हाइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीनों विथ डायग्राम, विथ डायग्राम। तो ये अच्छे से समझ लो, आपको टेक्स्ट बुक में इतना नहीं क्लीन दिया था, नीट एंड क्लीन, बट मैंने आपको आई मेक श्योर कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, तो मैंने अच्छे से समझाया। हाँ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये भी, ऑल दो विल लर्न मोर डिटेल इन द केमिस्ट्री पार्ट, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए। सो या हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन ओवर हियर, विल बी मीटिंग टुमारो विथ मच मोर फर्दर डिटेल्स ऑन सेल्स एंड सेल पार्ट्स। ओके, सो या बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।